पहाड़ी लोग हैं, हमारी पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी हमारी संस्कृति है, पहाड़ी गाने हैं, पहाड़ी डांस है, और हमें इस बात को गौरव है। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि क्यों कहते हैं? इसलिए देवभूमि कहते हैं कि रामायण और महाभारत में जिन ऋषि मुनियों का वर्णन आता है, जिन देवी देवताओं के वर्णन आते हैं, उन सब के मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। और मंडी को तो छोटी काशी कहते हैं, यहाँ सब किस्म के मंदिर है, पुराने से पुराने मंदिर है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में 250 रामचंद्र भगवान के मंदिर, रामचंद्र और सीता के मंदिर है, इन सबके इतिहास है। तो इससे अच्छे हिमाचल को देवभूमि कहते हैं। अब अयोध्या में मंदिर बना, हम स्वागत करते हैं। मंदिर बनना था, और आप जानते हैं श्री राहुल गांधी ने दरवाजा खोला था और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, राजीव गांधी जी ने, 1909 की बात है ये। तब बड़ा भारी प्रखंड उठाया, मैं बीजेपी वालों ने क्या कर दिया, फाड़ा कर दिया। अब कहते हैं ये रामचंद्र भगवान से बीजेपी का है, कांग्रेस से का नहीं है। आप जानते हैं इन्होंने गांव गांव में ईंटें भेजी रामचंद्र भगवान का मंदिर बनाने के लिए, गांव गांव में ईंटें भेजी। हमने भी ईंटों में कुछ पैसा चढ़ाया अपनी इच्छा अनुसार, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसी पैसे से मंदिर बना है। वो इनके जेब से पैसा से मंदिर नहीं बना है, आप सब लोगों के पैसों से, हिंदुस्तान की जनता के पैसों से मंदिर बना है। तो ये तो ऐसा समझते हैं कि भगवान राम जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राम है, ये सबका राम है और सब इसमें विश्वास करते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे, देखो जी अब तो रामचंद्र भगवान के नाम पे वोट चाहिए हमको। अब यही हो रहा है, टीवी मोदी, मोदी टीवी बन गया, मोदी मीडिया बन गया।